अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स थ्योरम 6.1। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींच ली जाए टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो जो अदर साइड्स है एक के तो पैरेलल होगी। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल था, सो गिवन में मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल। बेटा पूरा लिखना आपने ट्रायंगल, ऐसे साइन मत बनाना। फिर उसके बाद इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यही बोला था इसमें कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक ट्रायंगल जो गिवन है उसके किसी एक साइड के पैरेलल। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे बी सी साइड, हमने क्या कर दिया बी सी साइड के पैरेलल, ये थी बी सी साइड, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली डी ई। तो अब अदर टू साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, इनको वो क्या बोलता है कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से है, डी एंड ई। तो जो ये लाइन है डी ई जो पैरेलल टू बी सी है, ये ए बी और ए सी को कहां कहां कट कर रही है, डी और पॉइंट ई पे। अगर ऐसा हुआ, ये इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, जो हमने डायग्राम अभी बनाया वो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब अगर ऐसा हुआ तो आगे जो ये बोलता है वो ध्यान से पढ़िए, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स क्या थी यहाँ पे, ए बी एंड ए सी। एक साइड तो थी आपकी बी सी, इसके तो पैरेलल खींच ली थी, तो अदर टू साइड कौन सी बची, ए बी एंड ए सी। देखो ध्यान से सुनो कि एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे रफ में बना के देता हूं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये गिवन है बेटा, और ये भी दिया है कि किसी एक साइड के ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है। तो हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच ली, ये दिया था कि किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन खींच लो, तो खींच ली। तो अदर टू साइड कौन सी बची, ए बी एंड ए सी, क्योंकि इसके पैरेलल तो खींच ली हमने लाइन। तो जो ये अदर टू साइड्स है ये प्रूव करनी है कि ये इक्वल रेशो में डिवाइड होगी, मतलब सेम रेशो, ठीक है। सेम रेशो का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले हम अपनी ड्रॉइंग को साफ कर लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें ए बी सी ट्राइंगल दिया था और डी ई पैरल्स टू बी सी किया हमने, और जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूव हमें करना है कि ए बी और ए सी सेम रेशो में डिवाइड हो गए। तो उसको हम लिखेंगे कैसे कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ईसी। मतलब ये अपॉन ये किसके बराबर होना चाहिए, ये अपॉन ये। अगर ये जो हमने डायग्राम बनाया और यहां तक की जो स्टेटमेंट है, यहां तक की, ठीक है, इस ये हमें दी है पूरा, इसमें जो जो दिया है वो हमने बना दिया। फिर अगर ऐसा हुआ तो ये प्रूव करना है कि द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये बेटा ये आपकी कौन सी थ्योरम है, बी पी पी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, इसको हम और क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो पेपर में आपके लिए कैसे आ सकता है, या तो ये लिख के आएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करो, ठीक है, बीपीटी, या फिर थेल्स थ्योरम लिख के आएगा। मोस्ट प्रोबेबली
मोस्टली जो पेपर में आता है वो आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको लिख के आएगी, स्टेटमेंट के बेस पे आपने समझ जाना है कि ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप आज से आप याद रखोगे कि बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और साथ में अगर स्टेटमेंट आती है तो भी आप समझ जाओगे प्रोपोर्शनेटली। यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली का मतलब यही है जो डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो समझ जाना कि ये वाली अगर स्टेटमेंट आई तो इसका मतलब बीपीटी ही है, और आपको साथ में स्टेटमेंट भी याद रखनी है। स्टेटमेंट याद रखो, अगर नहीं रहती तो यहाँ से हिंट ले लो, बेसिक प्रोपोर्शनेलिटी थ्योरम जो डिवाइड दिया है यहाँ पे सेम रेशो में, इसका मतलब ही ये है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CONST, कंस्ट्रक्शन। सो प्रूव करने के लिए, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से, पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ले लेना है, पॉइंट डी से ये आपको डॉटेड लेना है, ठीक है। वैसे ही पॉइंट ई से भी आपको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिए। और आपको क्या करना है, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। ये बेटा जितना भी मैं कंस्ट्रक्शन का काम आपको बता रहा हूं, ये सारे का सारा आपका डॉटेड में होना चाहिए, और डायग्राम भी अच्छे से बनाना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छा बने। सो ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया है। डायग्राम पहले ये थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन में जो जो हमने बनाया, सबसे पहले हमने डी से परपेंडिकुलर खींचा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना भी पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर। और मान लो यहाँ पे एम दे दिया, और ई से आपने मान लो एन दे दिया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपको शो भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी, परपेंडिकुलर लिया ए सी पे, और ई एन आपने परपेंडिकुलर लिया, ई एन परपेंडिकुलर लिया आपने किस पे, ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा ये वाला, ई एन लिया आपने ए बी पे, ठीक है। और आपने ज्वाइन किया बी ई और सी डी को, तो ज्वाइन बी ई एंड सी डी। तो हमारा काम हो गया कंस्ट्रक्शन का। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रूफ की ओर, प्रूफ। अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई कौन सा लिया हमने, ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो कवर हो रहा है ट्रायंगल ए डी एंड ई, ठीक है। एडीई हमने ट्राइंगल लिया, सो एडीई ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पता है
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ एडीई इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या आ जाएगा बेटा एडी, और इस ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखोगे ए डी और ये वाला ट्राइंगल, तो बेस हम इसमें ये वाला ले लेंगे और हाइट इसमें कौन सी आ जाएगी बेटा, ये वाली ई से ये वाली ई एन, ठीक है। तो ए डी इंटू ई एन, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी आपकी ए डी इंटू ई एन। सो ये भी काम हो गया। अब हम ट्राइंगल कौन सा ले, देखो यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया, बेस लिया जिसका एडी था, ऊपर देखो जो प्रूव करना है यहाँ पे एडी हमने कर दिया, ठीक है। अब हम देखो एडी हमने निकाल दिया, तो अब हमें क्या चाहिए डीबी, तो डीबी किस में आ रहा है, कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल डीबी, तो ये वाला ट्राइंगल लेना है आप। ये बेटा हिंट लेने के लिए है, क्योंकि बार बार आपको याद नहीं रहेगा कौन सा ट्राइंगल ले, तो इसको इजी करने के लिए कौन सा लिया हमने, बी डी ले गया। तो अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा लेना है, बी डी, ये कौन सा लिया हमने, बी डी सी नहीं लेना बेटा, बी डी सी नहीं, आप लोगे ट्राइंगल, देखो अभी बताता हूं आपको, ये ट्राइंगल ये वाला लोगे आप, ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर नहीं आएगा, फिर अलग से बनाना पड़े, ये वाला, ये ट्राइंगल लेना आपको डी बी एंड ई, डी बी तो आना ही चाहिए उसमें, वो तो मैंने बताया यहाँ पे आपको, पर कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला, ताकि हमारा परपेंडिकुलर भी इसमें आए और सेम आए। देखो परपेंडिकुलर सेम कैसे आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हम, एरिया इन ट्राइंगल डी बी ई, तो इसमें भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसमें एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स टू हाफ बेस, इसमें बेटा यही लेना है डी बी, जिसके खातिर हमने, इसकी खातिर ये लिया था डी बी, ऊपर जो प्रूफ में डाला है ये वाला, तो हमने डी बी वैसे का वैसे रखना है। और प्रोपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा, प्रोपेंडिकुलर इसमें भी बेटा सेम रहेगा, कौन से वाला प्रोपेंडिकुलर रहेगा, इसमें भी प्रोपेंडिकुलर यही वाला होगा, इसके लिए भी प्रोपेंडिकुलर यही होगा, कौन सा ई एन, प्रोपेंडिकुलर कौन सा होगा ई एन, ये वाला, ठीक है। सो ये वाला ही प्रोपेंडिकुलर इसके लिए रहेगा, क्यों रहेगा मैं रीजन आपको बता देता हूँ, रीजन इसके लिए ये है कि जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ आपके लिए रफ में, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, इस तरह से, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा गंदा बना ट्रायंगल, अच्छा बनाते इसको, समझ भी अच्छे से आएगा फिर, ये है हमारे पास मान लो ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से समझना इसको क्यों परपेंडिकुलर सेम है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर इसमें देखूं तो परपेंडिकुलर मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, तो परपेंडिकुलर अगर मैं देखूंगा इसमें तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा इसका, इसका परपेंडिकुलर आपका आएगा बिल्कुल यहां से, इस पॉइंट से, यहां से बिल्कुल नीचे को सीधा, ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो फिर यहां से भी ज्वाइन कर देगी इसको, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया यहां से ये, सॉरी ये बिल्कुल सीधी आएगी बेटा, लाइन सीधी खींचना है इसको, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये लाइन थोड़ी लंबी आ गई। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, तो ट्रायंगल के यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर है, परपेंडिकुलर आपका ट्रायंगल के बाहर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल ये था बट परपेंडिकुलर इसका ये था, क्योंकि इसका बेस भी, इसकी जो साइड थी वो टेढ़ी थी, इसमें इस तरह का ट्रायंगल नहीं था, ये बिल्कुल 90 डिग्री वाला, ये कुछ ऐसे करके ट्रायंगल था, तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो अलग से आएगा। वही यहाँ पे केस है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया था अभी आपको समझ आ चुका होगा, ये वाला ट्रायंगल था, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल था जो मैंने बनाया,
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखोगे आप, ऐसा कुछ ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से, तो आप इसमें परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। परपेंडिकुलर क्यों नहीं ले सकते आप, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसा बनेगा इसका, बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल तिरछी लाइन है, तो परपेंडिकुलर इसका कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ध्यान से इसको देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, आपको अच्छे से मैंने यहाँ पे समझा दिया इस वाले डायग्राम में। तो इसका भी परपेंडिकुलर, मेरा बोलने का मतलब जो है डीबी और परपेंडिकुलर इसका भी क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर इसका भी सेम रहेगा ईएन। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो जो जो मैंने बोला, कि यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल की शेप ही ऐसी है। सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी बी ई। अब हमने डिवाइड कर दिया ए डी ई और डी बी ई को, इसको और इसको, इसमें हमें कुछ दिख रहा है तो सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड ली मैंने हाफ, सॉरी इस वाले की, ये वाला लिया आपने हाफ इंटू बेस यहाँ पे ए डी है और हाइट यहाँ पे ई एन है। वैसे ही आपने दूसरे वाले की भी लेनी है हाफ, और यहाँ पे बेस क्या बेटा बी डी या डी बी और हाइट यहाँ भी ई एन है, तो ई एन से ई एन कैंसल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपके पास ए डी अपॉन डी बी। तो आपको ये जो रिजल्ट है ये अपने पास रखना है, ए डी अपॉन डी बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको अपने पास। सो आपने थोड़ा खुला खुला लिखना, मेरे पास जगह कम बच जाएगी अगर मैं ज्यादा दूर दूर लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आया रिजल्ट इसका, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स हाफ कैंसल हो गया, ई एन ई एन कैंसल हो गया, तो ये बचा ए डी अपॉन डी बी। तो इसको दे दिया नंबर वन। अगर ध्यान दे गए आप यहाँ पे, इधर जो प्रूव करना था, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी एक साइड लगभग लगभग आ चुकी है, हमें काम करना है दूसरे की साइड पे। तो हमने जब इसको निकाला, इस वाली साइड को सॉल्व किया, तो एडी हमने पहले ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें बेस एडी है, फिर हमने ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें बेस डीबी है, फिर यहाँ पे भी जब ए वाली साइड प्रूव करनी है, अब ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें बेस एई हो, फिर वो ट्रायंगल लेना है जिसमें बेस ईसी हो। तो हम वैसे करके इसको प्रूव करते जाएंगे आगे आगे। तो आगे करते हैं इसको क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन इन ट्रायंगल, पहले हमने सबसे पहले लिया था एडीई, दोबारा से लेना है आपको एडीई, तो दोबारा से ले लिया एडीई, उस टाइम हमने बेस लिया था एडी, अब हमें बेस लेना है एई, ठीक है। तो अगर बेस ए ई होगा तो परपेंडिकुलर भी आपका क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अब आपका परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है, डीएम। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, अब डीएम, ठीक है। सो हम थोड़ा डायग्राम को साफ कर देते हैं, ये बहुत। सो अब हमने दोबारा से एडीई ले लिया। अब एडीई में करना क्या है, एडीई में नाउ अगेन इन ट्रायंगल एडीई, अब बेस हमने चेंज करना है, बेस लेना है एई, पहले हमने बेस लिया था एडी, ठीक है, ट्रायंगल सेम था हमारा बट बेस अलग था। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ एडीई, सो ये तो सेम रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू हाफ बेस हमारे पास अब होगा ए ई। तो अगर बेस हमारा ए ई होगा, वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा अब डी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर डी एम होगा। अगर हमारा बेस ये वाला है, सॉरी, अगर बेस हमारा ये वाला है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा डी एम, ठीक है। So, यहाँ पे
वैसे ही इसी के साथ अब देखो AE वाला हमने बेस ले ट्राइंगल ले लिया, अब EC बेस वाला ट्राइंगल लेना है, तो EC वाला कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ECD। सो अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ECD, इसमें भी लिखेंगे एरिया ऑफ ECD इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ECD हाफ, बेस तो हमें EC लेना है जो हमें जरूरत है, इनटू हाइट हमें कौन सी लेनी है बेटा, इसकी हाइट भी DM ही होगी। फिर से वही क्वेश्चन की ट्रायंगल जो है इसका बेस ट्रायंगल टेढ़ा है या ये अकॉर्डिंग टू ए 90 डिग्री इस तरह का कुछ ट्रायंगल है इस तरह का, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, ऐसे करके होगा। अब आपको समझ आ गया होगा, पहले भी मैंने समझाया, तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ जैसे पहले किया ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ECD, तो राइट राइट हैंड साइड लिख लेंगे एरिया ऑफ ADE की ये वाली हाफ इंटू AE इंटू DM, फिर राइट साइड लिखेंगे हम इसकी एरिया ऑफ ECD की, तो हाफ इंटू EC इंटू DM, तो यहाँ पे DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ECD इक्वल्स टू आपके पास आया AE डिवाइडेड बाय EC, तो इसको दे दिया हमने नंबर। तो नंबर वन और नंबर टू को अगर ध्यान से देखें, नंबर वन यहाँ पे है, नंबर टू ये वाला है। वन और टू की राइट हैंड साइड अगर देखें तो ये तो सेम है जैसे ये वाली है, तो अगर हम वन और टू को इक्वेट करें राइट हैंड साइड को, तो हमारा ये आंसर आ गया। बट हम अपनी मर्जी से इसे भी इक्वेट नहीं कर सकते, इसके भी रूल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे जो नंबर वन है उसमें देखो न्यूमरेटर में क्या है, लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे कहाँ देखना है आपको, इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसके न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ADE। अब नंबर टू में आओ, नंबर टू में भी अगर आप न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में यहाँ भी क्या है, ADE, मतलब इन दोनों की लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर जो है वो सेम है। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर की बात, अब डिनोमिनेटर इनका अगर देखें तो वो अलग अलग है, डिनोमिनेटर अगर हम इनका देखें तो डिनोमिनेटर तो अलग अलग है। देखो डिनोमिनेटर पहले वाले का डिनोमिनेटर है ये वाला, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप DBE, ठीक है, और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है हमारे पास ECD। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चली कि हम इक्वेट तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर सेम है एरिया ऑफ ADE बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। बट अगर हम इन डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूव कर पाए तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे पहले हमें ये इरेज करना पड़ेगा रेड वाली लाइन, ओके हो गई। यहाँ पे ध्यान से देखना आपने, जो ट्रायंगल आपका ये वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक है DBE, DBE कहाँ पे है, यहाँ आओ नंबर वन में, आओ नंबर वन में देखो DBE एक ये वाला है, और नंबर टू में आओ दूसरा जो है EC एंड D, तो दूसरा है यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में। तो बोलने का मतलब है ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये इक्वल है क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल है, ये पहले से लिया हमने, तो किन्हीं दो पैरलर लाइंस के बीच में है, किन्हीं दो पैरलर लाइंस के बीच में, सॉरी यहां पे
ये पैरेलल लाइंस है, इसमें अगर मैं ट्रायंगल्स बनाऊं इस तरह से, तो उनका एरिया क्या होगा? सेम। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किसका, यहां पे ए डीबीई और ईसीडी का बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल ई सी डी आर ऑन द आर ऑन द सेम बेस। कौन सा है सेम बेस बेटा? ये डीई, डीई पे दोनों ट्रायंगल बने हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स अगर सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल डीबीई एंड ईसीडी आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डीई, देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से वाला? ये डीबीई विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इसको दे दिया नंबर 3। ये जो बेटा ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे आपको, ये 9th में ऑलरेडी कर दिया है आपने, कि अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इसका न्यूमरेटर है वही नंबर 2 का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, ठीक है, नंबर 2 का भी वही है, और जो इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर, नंबर 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग थे बट हमने वो इक्वल प्रूव कर दिया एरिया उनका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड हमारी इक्वल आ चुकी है, लेफ्ट साइड 1 और 2 की। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो नंबर 2 के लेफ्ट साइड हमने प्रूव कर दी। कैसे? क्योंकि ऊपर तो ए डी ई था, यहाँ भी एरिया ऑफ ए डी है, वो तो ऐसे ही इक्वल है, और जो नीचे वाले दो ट्राइंगल थे ये अलग अलग थे बट ये भी हमने इक्वल प्रूव करवा दिए। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड के बराबर है 1 और 2 की, तो राइट साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखेंगे क्या बेटा, 1 और 2 से हम ये नहीं लिख सकते कि दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब राइट साइड भी इक्वल है, हमें लिखना पड़ेगा 1, 2 एंड 3। 3 की स्टेटमेंट भी यूज करनी पड़ेगी जिसमें हमने ये इक्वल प्रूव किया है डीबीई, नीचे वाले ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब हमने इक्वल किया है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब हम लिख सकते हैं कि ये वाली साइड ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा? ए अपॉन ई सी। होप कि आपको ये समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीज इसकी समझ आई होगी। ये वीडियो थोड़ा लेंथी चला गया है क्योंकि इसमें चीजें समझाने वाली बहुत है, और अगर ये थ्योरम आ गई आपको तो बाकी थ्योरम्स में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। मैंने बता दिया इसका नाम क्या क्या है, एक तो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है जो लिखी गई है, दूसरा इसका नाम है थेल्स थ्योरम, और तीसरा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं तो आपने ध्यान देना। और थ्योरम 6.1 है ये, और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका हिंट कैसे है वो भी मैंने बता दिया आपको।
तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अब तक। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे भी मैं वीडियोस बनाते जाऊं आपके पास अपडेट आते जाए। अगर आपके पास कोई अच्छा कमेंट है, अच्छा सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।